अस्सलाम वालेकुम। आज गोटरियाला में रोशनी वेलफेयर सोसाइटी जो कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी कर रही है, तो जो कि रोशनी की एम्बुलेंस है, इसमें स्पीकर वगैरह लगा के काफ़ी जगहों पर जो है ना जा रहे हैं, ताकि लोग जो है ना हमारे बहन भाई जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। वो कहते हैं डूबते के लिए तिनके का सहारा, तो अब लोग जो है ना दिल खोल के उनके लिए मदद करें। हमारे साथ जी रोशनी वेलफेयर सोसाइटी के सदर तसव्वुर इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि सुबह से लेके अभी तक हमारे साथ जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप जी? जैसा सबको पता है कि जिस तरह की मुसीबत कुदरती आफत पाकिस्तान में आई हुई है, सोशल मीडिया का दौर है, सब जानते हैं। वाले बेघर हो गए हैं, रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए राशन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वो अपनी जाने लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ बहुत बड़ा इम्तिहान उनके लिए और उससे ज्यादा इम्तिहान हमारे लिए है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। ये वक्त है, ये टाइम है, अपने अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं, रोशनी करते जाएं, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाएगा। जो मुसीबत ज़्यादा है, वैसे भी किसी मुसीबत ज़्यादा की से बात सुन लेना, उसे तसल्ली दे दें, तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। सोचें हमारे पास कितनी नेमतें हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से कुछ ना कुछ डोनेट करें, कुछ ना कुछ उन भाइयों तक पहुँचाएं, बहन भाइयों तक पहुँचाएं जो इससे भी अपनी जाने लेके रोडों पे बैठे हुए सफा हस्ती से गाँव मिटक चुके हैं। जो कोई झूठ नहीं है या वैसे कहा जा रहा है, नहीं, जाएं देखें जाके, गाँव के गाँव तबाह हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों की इमदाद करें, थोड़ा थोड़ा करके अपना हिस्सा डालें, इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी आवाम तो हैरान करने में, डोनेशन देने में दे अपना एक एक मुकाम रखती है, दुनिया को पता है इसका। तो ये वक्त है लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर ऑनलाइन कोई सेंड करना चाहे पैसे जी, हमारे रोशन वेल सोसाइटी का साथ अगर कोई तावन करना चाहता है तो उसके ना फेसबुक पे कवर पे अकाउंट नंबर भी बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर भी उसमें मौजूद है। तो मोस्ट वेलकम, जितना ज्यादा देंगे, देखें जी हमने अपनी जात के लिए देना है, उन लोगों का तो अल्लाह ताला वारिस है ना, हम तो देंगे लेकिन ये हमारे भले के लिए है, उनका इम्तिहान है ना, हमारा भी इम्तिहान है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका दिया हुआ एक एक रुपया इंशाल्लाह असल हकदार तक लाजमी पहुंचेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हजरात एक ऐलान सुनिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सैलाब की वजह से कई गांव मुतासर हो चुके हैं, पिंडां दे पिंड तबाह हो चुके ने, जिसके वास्ते उन्हां कोल खाण वास्ते राशन कोनी, पाण वास्ते कपड़े कोनी, सौण वास्ते बिस्तर कोनी। जैसा कि लिखा गया हदीस मुबारक विच, मुसलमान मुसलमान का भाई होंदा है। इस वास्ते कुछ लोगों के फंड की अपील की जाती है, अपने भाई होने का नजारा करो, अपने घर निकलो और हर मद विच फंड दो, कपड़ा रोटी पैसा, रोटी है ना पहनने वास्ता, कपड़ा है ना सौन वास्ता, पुस्तर है। मुसलमान मुसलमान का भाई होंगे, फंड जमा करो, तकरीबन 5 मिनट गड्डी खड़ी है। जैसा कि अच्छी लोग राम राम राखी सोते हैं खाते हैं, आज लोगों दे रहे हैं तबाही कर छोड़ी है। मुसलमान होने का मजाया करो, अपने घर के बाहर निकलो और हंसते तहत राशन दो, इंशाल्लाह रोशनी वेलफेयर सोसाइटी को त्याला खुद जाके उन लोगों को राशन तकसीम करेगी। खून दे छोड़ो पड़े लोग, उन्होंने मदद की बड़ी जरूरत है, तो सालों का गैस अपील की जाती है। ऐ मुसलमानों, जागने का वक्त आ गया है, आओ जागो, लोगों की मदद करो, आप लोगों के रिक्वेस्ट की जाती है, खुदा रहो तुम थोड़ी मदद की जरूरत है। 3 कैंप लगाए गए रोशनी ने गुरुद्वारा बेच, उन्होंने कैंपों बेच हिस्सा जो है ना वो कर दिया, हमने के लिए रबी छन्नी में आए हैं, और इन लोगों की मदद करो। आज तकरीबन 1 महीना आ गया उन लोगों को, खान जगह राशन कोनी, पहनने जगह कपड़ा कोनी, सौ जगह बिस्तर कोनी, आओ अपने घरों के निकलो लोगों की। अरे जी हम पिंडी जुंजा में ज्यादा करेगा मुसीबत के टाइम असि उन्हों का किस ना साथ देंगे,
अपने अपने सारा चंदा जमा करा सकते हो। तुहाडा पता है एक एक रुपया इंशाला ओदा इतना नहीं चला। रग लागे शुक्रिया तो आसानियां पैदा करो, मैं तुहाडे तो आसानियां पैदा करांगा। ये मुकाफाते अमल है, जो तुसी करोगे वो तुहानू मिलेगा। अल्लाह ताला तुहाडा दिता है एक एक रुपया तुहाडे कोशिश जो रग ला शुक्रिया बहुत ये बिल्कुल लोगों का प्यार है। जिधर भी जा रहे हैं पानी चाय का पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। रोशनी एम्बुलेंस जो भी खड़ी अपने अपने स्थान सलाम अपने जमा करवा दे जाओ। अभी ये दो गांव हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं तीसरे गांव समराला में। ठीक है, दो है समराला गुजरा और समराला राइया। पिंडी वालों ने बहुत अच्छा था, पिंडी आजाद कश्मीर छन्नी और छन्नी भी हो चुका है। गुजराला एक मोहल्ला हुआ है, बाकी रहता है राइया से हो के आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं समराला गुजरा में। समराला गुजरा से होके अभी जा रहे हैं जी हम समरा ठूठा राय बहादुर में। गाड़ी उधर से काट के आ रही है और इधर से हमने ठंडा पानी पिया जी। माशाल्लाह इतनी गर्मी में रोशनी फेलो सोसाइटी कमेटी के मेम्बरान सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं जी। वेल डन रोशनी वेलफेयर सोसाइटी का जी। दूसरा कैंप ये बाजार में लगा हुआ है। पहला सुबह से चले हुए हैं, अभी दो का टाइम हो गया, तो पांच गांव में हमने जो है इमदाद इकट्ठी की है। तो भी जो है ना रेस्ट का टाइम है और शॉप पे आए हैं, तो इधर माइक वगैरह रख दिया ताकि इधर भी जो गांव के लोग हैं ना जिसने इमदाद करनी है तो वो आके कर दे। ठीक है, और दो गाँव हो गए अभी पेंडिंग है, ठूठा है बहादुर सदवाल। ठीक है, और ढेड़ी भी आ चुका है, छेवा गांव, छह गांव हो गए हैं। इसलिए हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। तो काफ़ी तादाद में लोगों ने जो है ना मदद की है, तो इंशाल्लाह ताला रोशनी वेलफेयर सोसाइटी वादा किया है कि हम जितनी भी इमदाद इकट्ठी हुई है ये सलाम मुतासरीन तक हम पहुँचाएँगे। तो आप ये अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे दूँगा, रोशनी का अकाउंट भी दे दूँगा, तो आप उस पर जो है ना रब्ता करके या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान लोगों के जज्बे को सलाम है कि उन्होंने अपने माल को बहुत ज़्यादा कीमती बनाया है। तो अल्लाह पाक भी कहता है कि यहाँ पे एक दोगे ना कई गुना तुम्हें ना डबल ट्रिपल क्या कई गुना तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा दुगना करके तुम्हें मैं वापस दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, तो हम सोच भी नहीं सकते थे जितना हमें डोनेट हुआ है। अभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने रोशनी का अकाउंट नंबर और नंबर जो सदर रोशनी वेलफेयर सोसाइटी उनका नंबर भी मैंने दे दिया हुआ है। तो मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लेके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी आज की काविश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट तो बनता है। वीडियो को बताने का मकसद सिर्फ आप में शऊर पैदा हो, वीडियो देख के लोग जो है जज्बा पैदा होता है, ना कि मैंने किस चीज़ की प्रमोशन की है ना मैं करता हूँ। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओका।